दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पांवटा साहिब में शिलाई विधानसभा क्षेत्र के दूसरे केंद्र बिंदु कफोटा में विकास खंड कार्यालय खोलने की मांग को लेकर कफोटा पंचायत के ग्रामीण व बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विकास खंड अधिकारी गौरव धीमान के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। 23 पंचायतों के इस केंद्र के अधिकतर पंचायतों और व्यापार मंडल चुड़ेश्वर सेवा समिति कफोटा इकाई के बाद गुरुवार को क्षेत्र के ग्रामीण 12 पंचायतों के ग्राम सभा के प्रस्ताव लेकर खंड विकास अधिकारी पांवटा साहिब से मिलने पहुंचे और कफोटा को ब्लॉक कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान बताकर उनकी मांग पर उचित कार्रवाई करने को कहा। दरअसल शिलाई विधानसभा क्षेत्र एक दुर्गम ग्रामीण इलाकों वाला क्षेत्र है। क्षेत्र की कमरऊ तहसील की करीब 2 दर्जन पंचायतों का बीडीओ कार्यालय अभी पांवटा साहिब में ही है, जो कि लोगों को दूर पड़ता है, इसलिए यहां पर दूसरा विकास खंड कार्यालय प्रस्तावित है। गत माह भाजपा नेता और खाद्य एवं आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर भी यह बात दोहरा चुके हैं कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र को दूसरा बीडीओ कार्यालय जल्द मिलेगा। आज करीब हमारी सिलाई कॉन्स्टिट्यूंसी की करीब 12 पंचायतों के लोग हमारे पास आए और इन्होंने ज्ञापन दिया कि कफोटा में खंड विकास कार्यालय जो नया है वो खोला जाए। इनकी ये मांग हम सरकार तक ज़रूर हमारे माध्यम से पहुंचाएंगे कि नया खंड विकास कार्यालय जो कि कफोटा में जो कि सेंटर प्लेस पड़ता है, जो लोगों की अगर डिमांड है तो इसको हम जरूर सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। मैं सबसे पहले स्थानीय पंचायत के प्रधान होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा ब्लॉक का जो मुद्दा है कफोटा का, वो मेरे हिसाब से चाहे वो प्रशासनिक रूप से देखें, चाहे वो हम उसको किसी भी एंगल से देखें, कफोटा के अलावा और कोई केंद्र बिंदु बनता ही नहीं है। कफोटा एक ऐसा कैचमेंट है जहाँ जो मस्त भोज को आगे कुराली बेल्ट को यानी कि लगभग 10 बार सारी पंचायतों का एक केंद्र बिंदु है। वहाँ हर वो सुविधाएं हैं जो एक एक ब्लॉक के सराउंडिंग में होनी चाहिए। तो अगर सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं देती है तो इसका कहीं ना कहीं जो ना एक समझो एक समाज के साथ या जनता के साथ अन्याय हो रहा है और हमारा अनुरोध है कि ये चीज़ इस पर गौर किया जाए और बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से। थैंक यू आप सबका। थैंक यू। तो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बलदेव जी उस समय विधायक थे और वीरेंद्र कश्यप जी सांसद थे, उनका एजेंडा था कफोटा में ब्लॉक खोला जाए और हम 2 दिवसीय अनशन पे भी कफोटा अनशन पे बैठे और हमारा जो अनशन है वो बलदेव तोमर विधायक द्वारा और सांसद वीरेंद्र कश्यप द्वारा जुड़ाया गया। अगर कफोटा में ब्लॉक को नहीं खुलवाया जाए तो इसके लिए पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी कहाँ खुला जा रहा है, क्या हम जैसे सुनने में आ रहा है कि कफोटा ही खुला जाए तो हमारे नज़र में शायद कफोटा ही कहाँ आ रहा है, कहाँ खुला जा रहा है, कफोटा ही बोला जा रहा है कि कफोटा ही खुला जाएगा। तो हम सरकार से उम्मीदें रखते हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है, इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।